जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया है उसमें फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे फोटो अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे हाउ टू अपलोड द फोटो एंड डिस्प्ले द फोटो, राइट। तो सिंपल यहाँ पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज पे हम लोग जाएंगे, जो हमने रजिस्ट्रेशन पेज अभी तक बना लिया है उस पर आएंगे। इस पर एक नया कंट्रोल, देखिए डेटाबेस में फोटोज आप स्टोर नहीं कर सकते, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं फोटोज बट डेटाबेस आपका हैवी हो जाएगा जैसे जैसे आप इमेज अपलोड करेंगे। तो इमेज क्या होता है, आपको एक फोल्डर में रखनी होती है, यानी जब भी कोई फोटो अपलोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इमेज फोल्डर में जाएगी या जो भी फोल्डर आप बनाएंगे। डेटाबेस में उस यूजर के आगे उसका इमेज का नाम भी होना चाहिए और प्लस उस फोल्डर का नाम स्टोर होगा, यानी यूआरएल कहाँ पे स्टोर होगा डेटाबेस में, फोटोज एक्चुअल में कहाँ पे जाएंगे आपके पर्टिकुलर एक फोल्डर में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। डेटाबेस में कभी भी फोटोज स्टोर नहीं करी जाएंगे, डेटाबेस में क्या जाएगा सिर्फ और सिर्फ यूआरएल, ठीक है, कि उस इमेज का नाम क्या है और वो किस फोल्डर में है ये सिर्फ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, ऐड पे क्लिक किया, यहीं से मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैं इसका नाम रखा यूज़र इमेज, यानी जब भी कोई यूज़र फोटो अपलोड करेगा उसकी इमेज यहाँ पे आएगी और डेटाबेस में क्या जाएगा इस फोल्डर का नाम और जो इमेज उसने अपलोड करी है उसका नाम, राइट। तो यहाँ पे पहले डिज़ाइनिंग इंक्रीज करते हैं, यहीं पे एक रो हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन नहीं है, रो अबव यहीं पे लिखा अपलोड योर इमेज, अपलोड योर इमेज, यहाँ पे एक आपको कंट्रोल मिलेगा दैट इज़ फाइल अपलोड कंट्रोल। फाइल अपलोड में क्या होता है, ब्राउज का ऑप्शन अपने आप बन के आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट फील्ड बना हुआ है और आगे साइड में ब्राउज का ऑप्शन अपने आप बना हुआ है, आप स्क्रॉल करा के देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे आपका फाइल अपलोड ऑप्शन यहाँ पे बन के आएगा, चूज फाइल, देन यहाँ पे जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे फाइल का नाम लिख के आएगा और सबमिट करेंगे डेटाबेस में जाके उसका यूआरएल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग तो मैंने इंक्रीज कर ली है बट अभी कॉलम भी हमें एक बनाना पड़ेगा जिसमें उस पर्टिकुलर यूज़र का इमेज हमारा यूआरएल स्टोर हो। यहाँ पे टेबल्स है हमारी, टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे टेबल को और उसमें ओपन ऑप्शन आएगा, उसमें लिखेंगे ओपन टेबल डेफिनेशन, दिख रहा है ओपन टेबल डेफिनेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे टेबल का स्ट्रक्चर ओपन होगा, जैसे आपने टेबल क्रिएट करी थी उस टाइप से स्ट्रक्चर ओपन होगा, लोड होगा, हम उसमें एक नया कॉलम ऐड कर देंगे यूज़र इमेज नाम का, यू इमेज नाम का, इमेज नाम का, जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं हम लोग, ये पे नीचे अभी डिज़ाइनिंग लोड हो रहा है, आप डिज़ाइनिंग पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कॉपी पोस्ट करके रो भी कर सकते हैं, क्वेरी के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। लोडिंग द डिज़ाइन सरफेस इज लोडिंग, लोड कर रहा है, एक मिनट, लोड हो गया। यहीं पे आते हैं, यूज़र इमेज नाम से मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया, इसका डेटा टाइप आप ले लीजिए वेर केयर, यहीं पे लिखिए वेर केयर, साइज मैंने दे दिया 50, ठीक है। टेबल को हम अपडेट कर दे रहे हैं, एक नया कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अपडेट प्रिपेयरिंग अपडेट स्क्रिप्ट, अपडेट डेटाबेस, टेबल हमारे यहाँ पे ग्रीन, जैसे ग्रीन टेक आएगा बन के दैट मीन्स टेबल हमारी अपडेट हो गई, ठीक है ये, ओके टेबल अपडेट। अब हमने फॉर्म में चीज़ें इंक्रीज कर ली हैं और अपने डेटाबेस में इन कॉलम मैंने बढ़ा दिया है, अब मुझे डेटाबेस पे यहाँ पे कोडिंग पे आके चेंज करना है, यहीं पे लिखेंगे कॉमा एट द रेट PIC नाम का मैंने एक पैरामीटर ले लिया, यहाँ पे फाइल अपलोड में जो भी डेटा उसने सेलेक्ट करा है पहले उसे हमें फोल्डर में भेजना है, तो आप लिखेंगे फाइल अपलोड 1.सेव एज, मुझे इमेज को पहले सेव करना है फोल्डर में, सेव एज, पाथ आपको मैप कराना पड़ेगा दैट इज सर्वर डॉट मैप पाथ। मैप पाथ क्या करेगा, डेटाबेस में आपका यूआरएल यूज़र का फोल्डर जाएगा और प्लस यूआरएल जाएगा फ़ोटो का नाम, इससे पहले क्या करेगा फ़ोटो को हमारे फोल्डर में पेस्ट करेगा, तो सर्वर डॉट मैप पाथ ब्रैकेट में डबल कोट्स में
हमारे फोल्डर का नाम क्या है, यूजर इमेज प्लस कॉन्कैट करेंगे स्लैश। स्लैश का मतलब है कि पहले डेटाबेस में क्या जाएगा, यूजर का इमेज फोल्डर जाएगा और फिर स्लैश लगा होगा, फिर आपकी फोटो का नाम, दैट इज फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, यानी जो भी फाइल का नाम आपने, जो भी फाइल का नाम होगा जो आप फोटो अपलोड करना है, ठीक। इस लाइन से क्या होगा, आपका जो फोटो है वो कहाँ पे पहुँचेगा, इस पर्टिकुलर फोल्डर पे पहुँचेगा। इसको मुझे अपने डेटाबेस में भेजना है तो मैंने यहाँ पे लिखा cmd.parameters.add ब्रैकेट में एट द रेट पिक नाम का मैंने पैरामीटर लिया है, sqldbtype.varchar .50.value=, यहाँ पे आपको सीधे भेज देना है यूज़र का नाम, फोल्डर का नाम प्लस अपनी फाइल का नाम, जो भी फाइल उसने यहाँ पे अपलोड करी है, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट सेमीकोलन। यानी डेटाबेस में क्या दिखेगा, आपको फोल्डर का नाम, फिर स्लैश लगा होगा और जो आपने फाइल यहाँ पे अपलोड करी होगी, ठीक है। आइए इसको रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक नई एंट्री करते हैं, राम 123123 एड्रेस लखनऊ मेन क्रिकेट, ईमेल ram@gmail.com, देन मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे दी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज फाइल, यहाँ से कोई भी आप इमेज स्टोर सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इमेज पड़ी होंगी हमारे पास डेस्कटॉप पे या कहीं पड़ी होंगी, वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसमें से कोई इमेज स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। asheesh.jpg हमारी फाइल का नाम है, आप png फॉर्मेट, jpg फॉर्मेट, jpg कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सबमिट करते हैं, कह रहा यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। पहले एक बार फोल्डर में जाके वेरीफाई करें कि हमारी फोल्डर में इमेज आ रही कि नहीं आ रही है, रिफ्रेश करते हैं, फोल्डर में इमेज आपको दिख गई asheesh.jpg, यही मैंने अपलोड करी थी, ठीक है। डेटाबेस में जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिए, टेबल को आप देखना चाहते हैं तो आप करेंगे शो टेबल डेटा, यहाँ पे पूरा टेबल में जो भी डेटा रखा होगा वो यहाँ पे आके डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे बाकी सब में नल आ रहा है, राम वाले अकाउंट में आपकी इमेज भी दिख रही है, देख रहे हैं, यूजर इमेज हमारे फोल्डर का नाम है और हर्षित इमेज हमारा hrshit.jpg हमारी इमेज है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको हम प्रोफाइल पेज में कैसे डिस्प्ले कराएं, हम चाहते हैं जैसे ही पर्सन लॉगिन करे, यहाँ पे लॉगिन पेज पे जैसे ही पर्सन लॉगिन करे यहाँ पे उसका राम पासवर्ड 123 साइन इन करते हैं तो यहीं पे उसकी फ़ोटो यहाँ पे दिखे, क्या दिखे यहाँ पे फ़ोटो। उसके लिए आपको एक कंट्रोल यूज़ करना है, यूजर प्रोफाइल पेज पे आते हैं, फ़ोटो हम लोग डिस्प्ले कराने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहीं पे उसकी फ़ोटो दिखे, तो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल यूज़ किया, दैट इज़ डेटा लिस्ट व्यू। क्या यूज़ करेंगे, डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट में फॉर्मेटिंग करते हैं, ऐसे कुछ भी डेटा नहीं दिखेगा, यहाँ से आइए सेलेक्ट करिए न्यू, ये एसक्यूएल डेटा सोर्स वन वाला कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्स व्यू, यहाँ पे डेटा लिस्ट में हम लोग इमेज लगाएंगे, बट हम इसके लिए न्यू डेटा सोर्स लेंगे, न्यू डेटा सोर्स डेटाबेस, इसका नाम क्या होगा, एसक्यूएल डेटा सोर्स 2, वन वाला कहाँ पे लगा है, डिटेल्स व्यू में, दोनों को कॉमन मत करिएगा, ठीक है, ओके करते हैं। देन यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम बाई डिफॉल्ट जो अभी तक आप यूज़ करते हैं वही आपका दिखाएगा यहाँ पे, देन नेक्स्ट अपने टेबल का नाम, तो यूजर की इमेज कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन टेबल में है, ठीक है। वेयर क्लॉज, क्योंकि इमेज उसी की दिखनी चाहिए जिस पर्सन ने लॉगिन किया है, है ना, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज भी लगेगा, वेयर क्लॉज, यूजर नेम मैच करना है, ऑपरेटर कंट्रोल, कंट्रोल पे लेबल, लेबल में क्या नाम आ रहा है, यूजर का नाम आ रहा है, ठीक है, यहीं से ऐड किया, ओके। इसमें एडवांस वाला ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नया ऑप्शन नहीं देना है, सिर्फ आपको इमेज लगानी है। द नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी, ओके, देन यहाँ पे फिनिश, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे, क्योंकि जितने रिकॉर्ड अभी स्टोर हैं, जितने कॉलम है उतने आपको यहाँ पे दिखा रहा है, हमें यहाँ पे बाकी रिकॉर्ड नहीं चाहिए,
हमें सिर्फ क्या चाहिए, यूज़र का इमेज चाहिए, इसमें बाकी अननेसेसरी चीज़ें मैं हटाऊंगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, हम इस टेम्पलेट को एडिट करने जा रहे हैं, इमेज छोड़ के बाकी सब आ रहा है। यहाँ पे एडिट टेम्पलेट करेंगे, पहले तो सारा ये कंटेंट हटा देते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, इमेज चाहिए। तो यहीं पे आपने सबसे पहले एक टेबल ले ली, यहीं पे हमने एक रो सिंगल रो एक टेबल ऑप्शन लिया, दैट इज सिंगल रो सिंगल कॉलम, और इसको मैंने सेंटर अलाइन कर लिया। और यहाँ पे आपके पास एक कंट्रोल है, दैट इज इमेज कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल है, इमेज, ये इमेज कंट्रोल, इसको आपने ड्रैग करा, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए क्या इसमें, इमेज। इसको थोड़ा सा मैंने इमेज बड़ा कर लिया, जितना आपको इमेज डिस्प्ले कराना है मैंने इतना बड़ा कर लिया इमेज। इसमें कैरो दिख रहा है, दिख रहा है रो, आप इस पर क्लिक करेंगे, एडिट डेटा बाइंडिंग। हम इसमें ऑलरेडी यहाँ पे डेटा बाइंड है, लेकिन हम इमेज में चाहते हैं डेटा बाइंड हो जाए, जो कि हमारी क्या होगी, इमेज होगी, ठीक है। बाकी रिकॉर्ड तो आपने देखा सब आ ही रहा था, यूजर नेम पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर यूजर इमेज सब आ रहा था, मैंने उन सबको क्या किया, हटा दिया है। तो यहीं पे एडिट डेटा बाइंडिंग में आएंगे, सबसे पहले फील्ड बाइंडिंग, इमेज यूआरएल पर टिक होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने इमेज को बाइंड करने आप जा रहे हो, राइट। फील्ड बाइंडिंग, कौन सी फील्ड आपको इससे बाइंड करनी है, मैंने कहा मुझे इससे बाइंड करनी है यूजर इमेज फील्ड, क्योंकि यूजर इमेज वाले कॉलम में क्या रखा है, फोल्डर का नाम स्लैश इमेज का नाम, तो मैंने यहीं पे किया। जैसे आप यूजर इमेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपको कस्टम बाइंडिंग पे क्लिक कर देना है, आपको ये यूज़ करना है इवेल यूजर इमेज, तो वो बाय डिफॉल्ट फील्ड ऑपरेटिंग यहाँ पे जाएंगे, आप बाउंड टू कॉलम का सेलेक्ट करेंगे और कस्टम बाइंडिंग ऑप्शन को ऑटोमेटिक आप टिक कर देंगे, राइट। यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे, अब आप यहाँ से टेम्पलेट को एडिटिंग क्लोज कर सकते हैं, एंड टेम्पलेट, ये बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट होकर दिखेगा। अब हम लॉगिन करते हैं, जिस पर्सन ने इमेज दी होगी उसके पे इमेज आपको दिखेगी, साइन इन किया मैंने, ये देखिए इमेज दिख रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आप ही से मैच हो रही है। लॉग आउट करें, जिस पे यूजर इमेज, जिसपे जिस अकाउंट में अभी तक इमेज नहीं है वहाँ पे ये केवल सेल बन के आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। ये इमेज अपलोड करने का, और जिसमें इमेज आपने अपलोड कर रखी है, कोई नया यूजर रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। राम ही कर लेते हैं, अभी रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है, ये इमेज आ रही है, ओके डन। नया यूजर रजिस्टर करना है, यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए, प्रिंस 1 2 3, ईमेल prince@gmail.com, ठीक है, ईमेल आईडी, हाँ ठीक है, कार फोटो लगा देते हैं, आप बताओ कौन सी है फोटो अच्छी लगा दें, ये वाली सबमिट, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, देन लॉगिन पेज, यूजर लॉगिन, प्रिंस 1 2 3, साइन इन आ रही है, ठीक है, डन, लॉग आउट। तो वीडियो पॉज।